ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आपके साथ कुछ भी बुरी घटना होने वाली है, कुछ दुर्घटना होने वाली है या जीवन में कुछ भी चीज़ें बुरी होने वाली है, उससे पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं और वो संकेत अगर हम पहचान लें तो शायद उन बुरी घटनाओं को हम टाल सकते हैं। खैर, जो होना है वो तो होकर रहेगा, ना मैं बदल सकता हूँ ना आप बदल सकते हैं, पर भगवान अपने भक्तों पर, अपने जातकों पर विशेष कृपा रखते हैं। जिस तरह से अगर उनके संकेतों को हम समझ जाएंगे तो शायद हमारी खुद की बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे। और गलती का पुतला है हम इंसान, इसलिए ये बात भी समझ आती है कि हम गलती करते हैं, उसकी घटनाओं का हमें फल मिलता है। लेकिन कुछ संकेत जो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ ले, हर एक व्यक्ति इस बात को समझ ले, जिससे कि उनके जीवन में कोई भी घटना होने से पहले, कोई भी दुर्घटना होने से पहले वो सावधान हो जाए और बच जाए। तो ऐसा क्या संकेत है? और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो से मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ और न ही आपके मन में कोई भ्रम भरना चाहता हूँ। मैं केवल केवल आपको एक सच बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप किसी परेशानी में ना फंसे और फंसने से पहले बच जाएं। आप सभी का चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तभी लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अनुभव और व्हाट्सएप पर आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। सबसे पहला संकेत मिलता है दोस्तों कि अगर आपको कई दिनों से बिल्कुल अव्यवस्थित लग रहा है, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी शारीरिक दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद अपने इनर वॉइस, जो आपके अंदर का आवाज़ है, वो बेचैन है, आप अंदर से बेचैन है, आप बिल्कुल असहज महसूस कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो ये संकेत है दोस्तों कि कुछ चीज़ें जो जीवन में है वो अनुभव आपको हो रहा है, कुछ चीज़ें जीवन में नेगेटिव होने वाली है। मैं उपाय भी बताऊंगा आपको, ये भी एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दूसरा होता है लालच। अगर आप किसी भी चीज़ में लालच कर रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई घटना होने वाली है, ये बात याद रखना। लालच सबसे बड़ी और सबसे तकलीफ दे विषय इस युग की है। तीसरा होता है अटपटे से सपने आया। अटपटे से सपने यानी कि जिन सपनों का कोई सेंस ही नहीं है, जिन सपनों का कोई लेना देना ही नहीं है हमसे, बिल्कुल अलग से सपने आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक आ रहे हैं। तो ऐसे सपने अगर बार बार आ रहे हैं, 6 महीने 4 महीने कई दिनों से आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें नेगेटिव है। चौथा है नास्तिक। हम अगर नास्तिक हो जाते हैं, हमारा विश्वास उठ जाता है चीज़ों से लेकर, सब चीज़ों से लेकर विश्वास उठ जाता है, तो अगर विश्वास उठ रहा है तो ये भी एक घटना होने का, दुर्घटना होने का आप एक संकेत है। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो लोग महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, जो महिलाओं के प्रति अपमान करते हैं, उनके प्रति अभद्रता प्रस्तुत करते हैं, उनके मन में बहुत गलत ख्याल है, तो वो लोगों के साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी भी बुरा हो सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ये सभी हमें हर वक्त सुनती हैं। और अगर आपके इनर वॉइस में इस तरह की कोई नेगेटिविटी है तो दिक्कत होगी। अब उपाय में सर बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके साथ कभी कोई घटना नहीं होगी।